भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में बेखौफ अपराधियों द्वारा सरेआम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने होमगार्ड जवान के पुत्र पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सिंधिया मकनपुर निवासी संतोष कुमार के 24 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर घायल युवक की मां पूनम देवी ने बताया कि मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने के दौरान विवाद हो गया और आकाश को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि गोली किसने मारी है इसकी कोई जानकारी नहीं है और उन्हें केवल उनके पुत्र को गोली लगने की खबर मिली है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा आकाश कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल आकाश के पिता संतोष कुमार नवगछिया SC/ST थाने में होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं, जबकि घटना के बाद से परिजन अनहोनी की आशंका से भयभीत भी हैं। इधर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घर कहाँ? सिंघिया मकनपुर। अपने की नाम से? पूनम देवी। की विवाद से गोली मार लगे? गेम खेलते खेलते मार लगे। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव और तोड़फोड़ की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना में शामिल उपद्रवियों की अविलंब गिरफ्तारी करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि 29 जुलाई को पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में ताजिया जुलूस के दौरान किए गए पथराव के 5 दिन बीत जाने के बाद भी भागलपुर पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। वहीं इस घटना के विरोध में प्रशासनिक सुस्ती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का अर्थी जुलूस निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अर्थी जुलूस स्टेशन चौक, घंटाघर चौक और कचहरी चौक से गुजरा, जहां CM और डिप्टी CM के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही कहा कि इस तरह की घटना आगे कभी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन द्वारा उपद्रवियों को कड़ा संदेश देना चाहिए। जिस प्रकार जिला प्रशासन के लोग और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी मुखदर्शक बनकर बिहार में जो भी घटना घट रही है उस पर बिहार के मुखिया मुखदर्शक बने हुए हैं और धृतराष्ट्र की तरह आँख मूंद कर घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं, उसी प्रकार भागलपुर जिला के अंदर जिला प्रशासन जितने भी प्रकार की घटना घटी है, वह चाहे पर्वती काली मंदिर की घटना हो या फिर नौगछिया की बहने का जो आँख फूटने ताजिया जुलूस के दरमियान जो उनका आँख फूटा है, इन सभी घटनाओं पर अभी एक भी किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी असामाजिक तत्वों की नहीं हुई है और प्रशासन बिल्कुल ढुलमुल रवैया और इसको लीपापोती करने पर लगी हुई है और उल्टे जिनके साथ घटना घटित हुई है उन्हीं को प्रताड़ित करने का, उनका मॉरल कैसे डाउन हो और वो कैसे डिमोरलाइज हो, इसका षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा रचा जा रहा है। लगातार 3 दिनों से अनशन चल रहा है, रोज जी बैठे हैं और पूरे भागलपुर के लोग मरमाहत हैं ऐसी घटना को लेकर कि आखिर हमारी धार्मिक आस्था पर जिसने ठेस पहुंचाने का काम किया। हम लोग कतई ये नहीं कहने बैठे हैं कि कोई निर्दोष को आप जेल भेज दीजिए। उस घटना में जो दोषी है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी है ऐसे लोगों को अविलंब जेल भेजिए जिन्होंने भागलपुर की शांति सद्भावना को भंग करने का काम किया है और आने वाले समय में हमारे जो पर्व त्यौहार हैं उन पर्व त्यौहार को हम शांतिपूर्वक निर्भीक तरीके से मना पाएँ इसके लिए प्रशासन आश्वस्त करे। भागलपुर में मुहर्रम की देर रात ताजिया जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर परिसर में पथराव की घटना का मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, इसको लेकर लगातार राजनीतिक मुद्दा गर्म होने लगा है। एक ओर जहां भाजपा के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने मामले में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए इसे सियासी ढोंग बताते हुए कहा कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है, जिसे समाज सरोकार से कोई मतलब नहीं है। अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा आपसी सौहार्द बिगाड़कर सत्ता हासिल करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन बीजेपी अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। देखिए, बीजेपी हताशा में है। 2024 का चुनाव आने वाला है, वो जानती है इस बार जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। और इसी तरह 1989 में भी क्या हरकत हुआ था यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच, करा के वो 600 पूरे देश में उनका 2 सीट लोकसभा में हुआ करता था, और यहाँ नवासी में भी हिंदू मुसलमान को लड़ा के उनको फायदा मिला है। वही ये सोच रहे हैं फिर से इस बार, चूंकि चुनाव 2024 में है, फिर से ये पत्थर उत्थर फेंकवा के मंदिरों पे और इस तरह की हरकत कराए हैं और धरना पर खुद बैठ गए। इसमें धरना क्या जरूरत है, पुलिस जाँच कर रही है। ऐसा कुछ भी पत्थर फेंका गया, बच्चे लोग भी फेंकते हैं, और यह जा मुझे तो लगता है जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है ये सोची समझी षड्यंत्र है, इसीलिए धरना पर बैठे हैं। जनता इनको जवाब देगी। ये मेरा क्षेत्र है, बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख जितने भी हैं सब लोग भाईचारा की तरह रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उनकी दाल नहीं गलने वाली है और 2024 में बिहार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में गरीबों से पर्ची कटाने के नाम पर लूट मची हुई है। दरअसल जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन गरीबों से पर्ची काटने के नाम पर 2 रुपये के बदले जबरन 5 रुपये वसूले जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी दिनों से मनमाने तरीके से मरीज से पर्ची काटने के नाम पर 5 रुपया वसूला जाता है, जबकि प्रसूताओं से डिलीवरी के नाम पर 800 रुपया लिया जाता है, जो लोगों के लिए परेशानी के साथ और सरकार के नियमों का भी उल्लंघन है। वहीं लंबे समय से अस्पताल में चल रही मनमानी को लेकर कई सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में यह कार्य किया जा रहा है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा का दावा करने वाले अधिकारियों पर भी नियमों के विरुद्ध किए जा रहे इस तरह की मनमानी के लिए लोगों ने सवाल खड़ा किया है। बता दें कि प्रखंड के विभिन्न गांव से गरीब और कमजोर तबके के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ लेने से पहले ही उनसे इनके एवज में अवैध रूप से पैसा वसूला जाता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। कितना लेता है? लेता है 800 रुपया। पहले ले लेता है एनएम लेती है। बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार और दफादार को हाईकोर्ट के द्वारा वीआरएस को खत्म करने के विरोध में भागलपुर के सुल्तानगंज में सभी चौकीदार और दफादार ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चौकीदार और दफादारों ने बिहार सरकार से वीआरएस लागू करने की मांग करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने वीआरएस खत्म कर दिया, जिससे उन लोगों को काफ़ी नुकसान है। वहीं इसको लेकर चौकीदार प्रदीप पासवान ने कहा कि बिहार सरकार के इस फैसले के विरोध में 1 अगस्त से 6 अगस्त तक वे सभी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक बिहार सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर अमरजीत कुमार, रंजन कुमार, सदानंद पासवान, सोनू पासवान सहित काफी संख्या में चौकीदार मौजूद थे। लगाए हैं कि बिहार को खत्म कर दिया गया है सरकार और अंग्रेजों जवानों से पूर्वजों से चलाया है, तो उसको भी रिटायरमेंट भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद 2014 में सरकार लागू किया था कि भ्यारस का, कि जो साल भर पहले अपने पिताजी के बदले में भ्यारस दे दीजिए पिताजी, उसके बाद एक लड़का को नौकरी होगा, जो कि फरवरी 25 को सरकार के द्वारा हाई कोर्ट से उसका ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि अभी तक बिहार सरकार ने कम से कम जो पूरे जिले में कम से कम अभी तक भारत का कम से कम 50 लड़का बेरोजगार पड़ा हुआ है। भागलपुर के पर्वती निवासी लखिंदर महलदार उर्फ लाखों के पुत्र अमन राज का चयन भारतीय ड्रैगन बोट टीम में हुआ है।
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आगामी 7 अगस्त सोमवार को अमन राज थाईलैंड में होने वाले एशिया ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में शामिल होंगे, जबकि पूर्व में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड प्राप्त कर चुके अमन राज पिछले कुछ दिनों से इस चैंपियनशिप को लेकर कोलकाता के इको पार्क में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं भारतीय ड्रैगन बोट टीम में चयन से अमन राज के घर वालों के साथ उनके जानने वालों के बीच खुशी का माहौल है। इसको लेकर अमन के भाई धर्मेंद्र मंडल ने कहा कि उनके पिता लखिंद्र महलदार एक मजदूर हैं और अमन की कामयाबी से पर्वती के युवाओं में भी उत्साह का माहौल है, जबकि राष्ट्रीय टीम में चयन इस उपलब्धि के कारण कई आम और खास लोग घर पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। इधर भागलपुर युवा लोक जनता दल के नगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा, अमित मंडल, संजीव शाह, रविकांत चौधरी समेत काफ़ी संख्या में युवा और आसपास के लोग भी अमन राज को बधाई और शुभकामना दे रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में अमन अपनी कामयाबी के बल पर भागलपुर और बिहार के साथ देश का सम्मान बढ़ा सके। भागलपुर के सुल्तानगंज में अंतरजातीय प्रेम प्रसंग मामले में महिला हेल्प डेस्क थाना की ओर से दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस की मौजूदगी में शादी रचाई गई। बताया जा रहा है कि गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रूजी गांव निवासी सावित्री कुमारी का भागलपुर नवगछिया के कदवा गांव के प्रभात कुमार शाह से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद प्रेमी युगल ने घर से भागकर महिला हेल्प डेस्क की मदद से शादी रचा दी। वहीं इससे पूर्व युवती को बहला फुसला कर घर वापस आने पर घर वालों ने उसे मौसी के घर में कैद कर दिया था, लेकिन मौका पाते ही युवती किसी तरह मौसी के चंगुल से फरार हो गई और लड़के के साथ सुल्तानगंज थाना हेल्प डेस्क पहुंची, जहां लिखित आवेदन देने के बाद इंस्पेक्टर किरण सोनी ने तत्परता दिखाई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लड़के एवं लड़की पक्ष के लोगों को बुलाकर आपसी समझौता कराया और बालिक युवती के बयान पर थाना के समीप हनुमान मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा दी गई। आप लोग में 3 साल से राजी खुशी से शादी कर लिए हैं। कहाँ प्रेम चल रहा था आप लोगों का? मेरा रुंजी गांव झारखंड जिले डिस्ट्रिक्ट राज्य में गोड्डा जिला। गोड्डा जिला कैसे प्रेम हुआ था लड़के से? प्रेम कितने साल से प्रेम करते? 3 साल से। अच्छा, तो कैसे प्रेम हुआ था? हम पहले मंदिर पे जाते थे डेली बचने के लिए, तो लड़की भी आती थी, ऐसे ही धीरे धीरे। वहाँ क्या आपका घर है गोड्डा में, क्या था? जी, मेरा ननिहाल है। और नानी घर में? जी, वहीं से प्रेम हुआ। जी जी। किससे प्रेम हुआ, नाम उसका? सावित्री कुमारी से। अच्छा, तो यहाँ पर आज शादी हुआ? जी। थाना में? जी। किनके द्वारा शादी कराया गया? मैम किरण मैम के द्वारा।